दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया के शर्मनाक प्रदर्शन का पाकिस्तानी दिग्गजों ने जमकर मजाक उड़ाया है और खूब आलोचना की है। ताहिर आफरीदी से लेकर इंजमामुल हक, शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम जैसे खिलाड़ियों ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की भी जमकर आलोचना की है। भारतीय टीम के शर्मनाक प्रदर्शन पर पाकिस्तानी दिग्गजों ने क्या कह दिया है, चलिए दिखाते हैं उनके बयान का पूरा वीडियो। हाँ, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मुकाबला चल रहा है। ये दूसरा टेस्ट मुकाबला पुणे में खेला जा रहा है। पहले टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया की शर्मनाक हार के बाद ऐसी उम्मीद थी कि टीम इंडिया इस मुकाबले में जबरदस्त वापसी करेगी, पर ऐसा संभव नहीं हो पाया। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 259 रन बनाए, जिसमें वॉशिंगटन सुंदर ने खतरनाक गेंदबाजी किए, 7 विकेट लिए, और ऐसा लगा कि इस मुकाबले में हमारी भारतीय टीम काफी आगे है। लेकिन ये सिर्फ हाथी के दांत थे, खाने की कुछ और, दिखाने के कुछ और। लेकिन टीम इंडिया के बल्लेबाज तो इस मुकाबले में और भी खराब बल्लेबाजी करने वाले थे। ना ही रोहित शर्मा, ना ही विराट कोहली, ना ही टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज इस मुकाबले में एक भी हाफ सेंचुरी लगा पाया। रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे सितारों से सजी भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के सामने 156 रनों पर घुटने टेक दिए। इसमें कप्तान रोहित शर्मा ने 0 रन बनाए, विराट कोहली ने 1 रन बनाए, और ये रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का हाल। तो दूसरी पारी में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम पर 300 से ज्यादा रन की बढ़त हासिल कर ली है, और इसके बाद फिर क्या था, टीम इंडिया अब हार के करीब पहुंच चुकी है दूसरे ही दिन। टीम इंडिया के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद पाकिस्तानी दिग्गजों ने बड़ा ही हैरान कर देने वाला बयान दिया है। जी हाँ, आपको बता दें, शोएब अख्तर ने कहा, भारत देश के लोग पाकिस्तान को ट्रोल करने में सबसे आगे रहते हैं, वो पाकिस्तान का मजाक उड़ाने में सबसे आगे रहते हैं। पाकिस्तानी टीम का पिछले काफी समय से मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन अब वो अपने गिरेबान में जाकर देख लें कि टीम इंडिया किस तरीके से प्रदर्शन कर रही है। कहाँ गए उनके रोहित शर्मा, कहाँ गए उनके विराट कोहली, जो सितारे हैं उनके। इधर हमारी पाकिस्तान की टीम तो बेहतरीन खेल दिखा रही है, पर इंडिया को क्या हुआ है? दूसरों का मजाक उड़ा लेने से अच्छा प्रदर्शन नहीं होता है, अपने आप में अच्छा सुधार करने की जरूरत होती है। टीम इंडिया के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं, मुझे लगता है न्यूजीलैंड की टीम भारतीय टीम का क्लीन स्वीप करने वाली है। तो शोएब अख्तर के बाद शाहिद आफरीदी ने भी बड़ा बयान दिया। शाहिद आफरीदी ने कहा, सबसे पहले तो मैं न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की जमकर तारीफ करना चाहूंगा, उन्होंने भारतीय सरजमी पर बहुत अच्छा खेल दिखाया है, जबरदस्त खेल दिखाया है। दूसरी तरफ अगर मैं टीम इंडिया की ओर देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका घमंड, उनका ओवर कॉन्फिडेंस ही उन्हें ले डूबा। रोहित शर्मा, विराट कोहली और उनके सभी टीम के सभी मेंबर को देखने से ही ऐसा लग रहा था कि वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को हल्के में ले रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में हैं। का नतीजा अब हम आप सबके सामने है, वो अब डरे हुए हैं। ये लोग केवल हमारी पाकिस्तान की टीम का मजाक उड़ाने में लगे रहते थे, पर अब मजा आ रहा है। जिस तरीके से भारतीय टीम खेल रही है, पता चल रहा है कि अब कौन पानी में है। दोस्तों शाहिद आफरीदी के बाद इंजमामुल हक ने बड़ा बयान दिया। इंजमामुल हक ने कहा, ईमान टीम की पोल खुल चुकी है। जिस तरीके से भारतीय टीम ने बेईमानी से T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था, पता चल रहा है कि एक अच्छी टीम के सामने वो किस तरीके से घुटने टेक देते हैं, यदि गेम फेयर हो तो। ये लोग बस दूसरों का मजाक बनाने में लगे रहते हैं। अगर हम अपनी टीम को देखें तो हमारी टीम ने हमेशा फेयर गेम खेला है, हमेशा अच्छा खेला है। कभी हमारी टीम खराब खेलती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी टीम का मजाक उड़ाएं। और अब भारतीय टीम को ही आप उठाकर देख लीजिए, अपने घर पर कितना गंदा खेल दिखा रहे हैं। दूसरा टेस्ट मुकाबला भी ये बुरी तरीके से हारेंगे और पूरी सीरीज भी वो हारने वाले हैं। तो सच में इंजमामुल हक ने सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया है वो काफी ट्रोल होने वाले हैं। आखिरी में वसीम अकरम ने भी बड़ी बात कही है। वसीम अकरम ने कहा, भारतीय टीम को भारतीय सरजमी पर हराना ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, लेकिन इसे न्यूजीलैंड की टीम ने संभव कर दिखाया है और उनकी तारीफ तो बनती है। भारतीय टीम के लिए केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि उनका ओवर कॉन्फिडेंस और उनका घमंड उन्हें ले डूबा। तो पाकिस्तानी दिग्गजों ने टीम इंडिया का जमकर मजाक उड़ाया है और खूब आलोचना की है। आपको क्या लगता है, टीम इंडिया अगर दूसरे टेस्ट मुकाबले में वापसी कर पाएगी तो कौन सा खिलाड़ी है जो टीम इंडिया की वापसी कराएगा, और अगर टीम इंडिया हारती है तो कौन सा खिलाड़ी है जो हार का सबसे बड़ा गुनहगार होगा? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।